हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लर्न इट के एक और नए वीडियो में। और बिना टाइम वेस्ट किए चलिए नया टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे टॉपिक 3 के बारे में, जो कि है यूनिट 3 11th क्लास की, और चैप्टर का नाम है प्लांट किंगडम। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिकैप हम देख लेते हैं कि हमने इसके पिछले दो वीडियोस के अंदर पढ़ा क्या था। हमारा टॉपिक 1 के अंदर जो बात हुई थी वो हुई थी रॉबर्ट विटेकर के बारे में, मतलब हम प्लांट की बात कर रहे थे। तो प्लांट किंगडम हमको डिस्टिंग्विश किसने करा था, रॉबर्ट विटेकर ने करा था। उसको आगे जाके हमने और देखा था क्लासिफिकेशन में, मतलब जिसको फाइनल हम मानते हैं वो है एस्लर्स क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर प्लांट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया। प्लांट एक किंगडम है जिसको सब किंगडम में डिवाइड किया था, क्रिप्टोगेम और फेनेरोगेम में। और हमने जो फर्स्ट टॉपिक में बात करी थी वो थेलोफाइटा के बारे में, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म के एक बेसिक टॉपिक लिया था। सेकंड टॉपिक में हमने प्लांट का ही एक किंगडम जिसको बोलते हैं क्रिप्टोगेम, उसका डिवीजन लिया था थेलोफाइटा। और थेलोफाइटा के अंदर हमने एल्गे को बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ लिया था। अब जो हम इस टॉपिक के अंदर लेने वाले हैं वो बेसिकली हमारा टॉपिक आता है ब्रायोफाइट्स। अब आप बोलेंगे ब्रायोफाइट्स है क्या? ये सिंपलेस्ट नॉन वैस्कुलर लैंड प्लांट है जिनके अंदर अनडिफरेंशिएट बॉडी पार्ट्स होते हैं। अब आप बोलेंगे नॉन वैस्कुलर लैंड प्लांट का मतलब क्या होता है? नॉन वैस्कुलर का मतलब होता है जिस प्लांट के अंदर जाइलम और फ्लोएम हो ही नहीं। अगर किसी के अंदर होगा ही नहीं तो उसको कहेंगे नॉन वैस्कुलर लैंड प्लांट। सेकेंड बात करते हैं, इनको अनडिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके अंदर आप लीव्स, स्टेम, रूट्स इन सबको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, मतलब आप ये नहीं बता सकते कि कौन सा पार्ट लीव कहलाएगा, कौन सा पार्ट रूट कहलाएगा एटसेट्रा। अगर हम ब्रायोफाइट्स की स्टडी के बारे में बात करें तो वो किसके अंडर में आती है? ब्रायोलॉजी के अंडर में आती है। जोहान हेडविग जो है उनको वर्ल्ड वाइड फादर ऑफ ब्रायोलॉजी कहा जाता है, और शिव राम कश्यप इंडियन ब्रायोलॉजी के फादर कहलाए जाते हैं। ब्रायोफाइट्स को बेसिकली एम्फीबियंस भी कहा जाता है प्लांट किंगडम का। क्यों? क्योंकि ये पानी वाले एरिया में रहना पसंद करते हैं। पानी वाले का मतलब ये नहीं कि पानी के अंदर रहते हैं, जहां पर पानी की क्वांटिटी मॉइस्चर ज्यादा होता है वहां पर ये ज्यादा डेवलप करते हैं। ब्रायोफाइट्स डेंस पैचेस में उगते हैं, मतलब ग्रुप में उगते हैं बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, और ये मॉइस्ट शेडी प्लेसेस में, मतलब जहां पर पानी की क्वांटिटी ज्यादा है यानी मॉइस्चर ज्यादा है, छाएं ज्यादा पड़ती है, धूप नहीं पड़ती है, उन दीवालों पे, उन सॉइल के डैम्प पोर्शंस पे और ट्री ट्रंक पे ये प्रेजेंट रहते हैं। अब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ ब्रायोफाइट्स के बारे में। तो सबसे पहला टॉपिक आता है हैबिटेट, मतलब ये रहते कहाँ हैं। बेसिकली ये सारे के सारे टेरेस्ट्रियल होते हैं, पर इनमें से कुछ एक्वेटिक भी प्रेजेंट होते हैं, मतलब जमीन के अलावा वो पानी के अंदर भी रहते हैं। प्लांट बॉडी की बात करते हैं तो इनका स्ट्रक्चर थैलस लाइक होता है। अब आप बोलेंगे थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता क्या है? थैलस लाइक का मतलब है कि यहाँ पर कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं होता किसी भी चीज का, स्टेम के अंदर, लीव्स के अंदर, सभी एक पोर्शन के अंदर होते हैं और उनको हम थैलस कहते हैं। रूट लाइक स्ट्रक्चर में एक स्पेशल चीज होती है जिसको कहते हैं राइजोइड्स। ये राइजोइड्स क्या करते हैं? इस पूरे स्ट्रक्चर को सॉइल के ऊपर फिक्स करके रखते हैं और इसको इधर उधर जाने नहीं देते हैं। प्लांट बॉडी को बेसिकली तो दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, स्टेम और लीफ स्ट्रक्चर के अंदर, पर इनका डिस्टिंग्विश करना आसान नहीं होता, मतलब इनको अलग अलग नहीं बता सकते हैं। वैस्कुलर टिश्यूज एब्सेंट होते हैं, जो हम डेफिनेशन भी पढ़ चुके हैं, जिस डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि ये सिंपलेस्ट नॉन वैस्कुलर लैंड प्लांट है जिनके अंदर अनडिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स होते हैं। रिप्रोडक्शन की बात करें तो तीन तरीके से होता है। पहला होता है वेजिटेटिव, जिसके अंदर फ्रेगमेंटेशन, बडिंग और ट्यूबर्स आते हैं, और भी डिफरेंट टाइप आते हैं। और सेकंड आता है असेक्सुअल, और सेक्सुअल मोड भी इनके अंदर देखने को आसानी से मिल जाता है। एक स्पेशल खास बात यह है कि इनके अंदर मल्टी सेल्यूलर सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्लस्टर्स में प्रेजेंट होते हैं। क्लस्टर्स मतलब गुच्छे में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को एंथ्रिडियम बोलते हैं, जो क्लब शेप होता है। क्लब का मतलब होता है ऊपर से यानी नीचे से जे शेप का, और फीमेल फ्लास्क शेप होती है, मतलब कोन के शेप की होती है, जिसको बोलते हैं आर्किगोनियम। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्लब शेप का होता है, कहलाता है एंथ्रिडियम, और फीमेल पार्ट फ्लास्क शेप का होता है और कहलाता है आर्किगोनियम। आगे चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट के बारे में, तो आता है क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स। अब ब्रायोफाइट्स का क्लासिफिकेशन मेनली तीन क्लासेस के अंदर करा गया है। पहले को बोलते हैं हम लिवरवॉर्ट, दूसरे को हॉर्नवॉर्ट, और तीसरे को मॉसेस कहलाता है। अब लिवरवॉर्ट्स का जो बेसिकली नाम है वो है हेपेटिकोसिडा, हॉर्नवॉर्ट्स का नाम है एंथ्रोसिडा,
और मोसेस का नाम है ब्रायोसीडा। यहां पर पी का यूज नहीं करना है क्योंकि पी साइलेंट है। हेपेटिकोसीडा, एंथ्रोसीडा और ब्रायोसीडा, ना कि हेपेटिकोप्सीडा, एंथ्रोप्सीडा और ब्रायोप्सीडा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सेगमेंट के बारे में। तो पहला आता है हेपेटिकोसीडा या लिवरवॉर्ट का डिटेल। तो इस काइंड के सारे प्लांट्स फोटोसिंथेटिक होते हैं, फ्लैट मतलब चपटे होते हैं, और इनके ऊपर डोर्सी वेंट्रल थैलस प्रेजेंट होता है, मतलब लीफ और उनका स्ट्रक्चर डिस्टिंग्विशेबल नहीं होता। एग्जांपल आपको दे रखा है रिकिया और मार्केंशिया का। यहाँ पर जो सेकंड पॉइंट है, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं जो इनको क्या करके रखते हैं, सॉइल पर अटैच करके रखते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर देखा जाए तो फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस से इनका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गिमे का फॉर्मेशन होता है। गिमे क्या है, ग्रीन कलर के मल्टी सेल्युलर असेक्सुअल बड्स हैं जो क्या करते हैं, धीरे धीरे डेवलप करते हैं पेरेंट सेल से अलग होके, यानी अपने आप को पेरेंट बॉडी से डिटैच करके खुद ही एक नए थैलस का जर्मिनेशन कर देंगे। तो यहां पर होता है असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, किसके मतलब से, गेमे फॉर्मेशन के मतलब से, और ये एग्जांपल है मार्केंशिया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो दो चीज की रिक्वायरमेंट होती है, एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मतलब एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया की रिप्रोडक्शन कैपेबिलिटीज से भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस हेपेटिकोसीडा के अंदर या लिवर वॉर्ट्स के अंदर हो सकती है। यहां पर देखा जाए तो दो टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो आता है आपका हेपेटिकोसीडा और सेकेंड आता है आपका ब्रायोसीडा। बीच में आपका एक टॉपिक है एंथ्रोसीडा जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो सिर्फ एक कनेक्टिंग लिंक है इन दोनों के बीच की। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन आता है वो कहलाता है एंथ्रोसीडा, जिसको हम एक नाम से जानते हैं हॉर्न वॉर्ट्स। ये है क्या, सारे के सारे एंथ्रोसीरोज जितने भी प्लांट है वो बेसिकली कहलाते हैं हॉर्न वॉर्ट्स, क्योंकि उनके अंदर एक चीज होती है जिसको बोलते हैं पाइरिनोइड्स। अब ये पाइरिनोइड्स क्या करते हैं, कार्बन कॉन्सेंट्रेशन मैकेनिज्म को चलाते हैं किसी भी प्लांट के अंदर, और बेसिकली देखा जाए तो इनका मेन वर्क जो एंथ्रोसीडा का है वो है सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, मतलब किसी भी ऑर्गेनिजम्स के बीच में, किसी भी प्लांट के बीच में अगर नाइट्रोजन की फिक्सिंग कैपेबिलिटी नहीं है तो वहां पर ये सारा काम आके करते हैं। एग्जांपल आप देखेंगे तो एंथ्रोसीरोज है और नोटोथाइलस है। लास्ट क्लासिफिकेशन के बारे में जो बात करते हैं तो आता है ब्रायोसीडा, जिसको बोलते हैं मोसेस। अब ये देखा जाए तो हाईएस्ट लेवल ऑफ ब्रायोफाइट्स की कैटेगरी में आते हैं, मतलब ऊपर ही ऊपर जो सबसे हायर लेवल पे आएंगे ब्रायोफाइट्स के अंदर वो कहलाएंगे ब्रायोसीडा। ये बेसिकली दो स्टेजेस में डिवाइडेड है, एक को कहते हैं प्रोटोनीमा और दूसरे को बोलते हैं लीफी स्टेज। प्रोटोनीमा क्या है, ग्रीन फिलामेंटस स्ट्रक्चर है जिसमें ब्रांच स्ट्रक्चर होती है और रेंगने वाले स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं डायरेक्ट किससे, स्पोर्स से, और इनके अंदर आपको राइजोइड्स भी देखने को मिलेंगे जो क्या करेंगे, इनको सॉइल पर अटैच करने में मदद करते हैं। इनके अंदर आपको रूट स्टेम लीफ तीनों का स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा, मतलब रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर। एग्जांपल अगर आप लें तो फ्यूनेरिया आ जाता है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यहां पर राइजोइड्स मल्टी सेलुलर और ब्रांच स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं, और लीफी स्टेज ही के अंदर ही आपको सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, या लीफी स्टेज में ही आपको सेक्स ऑर्गन्स देखने को मिलेंगे। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो बेसिकली फ्रेगमेंटेशन की मदद से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, और बडिंग जब बात करते हैं तो वो सिर्फ सेकेंडरी प्रोटोनीमा के डेवलपमेंट में मदद करता है। जब हम सेकेंडरी प्रोटोनीमा के डेवलपमेंट की बात करते हैं तो बडिंग वहां पर काम आता है। लास्ट सेगमेंट के बारे में बात करते हैं तो आता है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स। तो पहला आता है ये हमको खाना प्रोवाइड करते हैं हर्बेशियस एनिमल के लिए, मतलब जो एनिमल्स हर्ब खाते हैं, मतलब ग्रीन प्लांट्स वगैरह खाते हैं, तो बेसिक फूड की रिक्वायरमेंट पूरा करता है ये ब्रायोफाइट्स, तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस रखता है। सेकेंड बात करते हैं स्फैग्नम। ये स्फैग्नम एक मॉस है जो हमको पीट के रूप में देखने को मिलता है। पीट के रूप का मतलब होता है पार्शली डाइजेस्टेड, मतलब थोड़ा ही डाइजेस्ट हुआ जो भी आपको वेजिटेटिव पार्ट्स मिलते हैं उसको हम स्फैग्नम बोलते हैं, जो हमको फ्यूल के रूप में, जो नेचुरल फ्यूल है उसके रूप में भी काम आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांसशिपमेंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप बोलोगे ट्रांसशिपमेंट का मतलब क्या है, अगर आपको लिविंग थिंग का ट्रांसपोर्ट करना है, मतलब कोई ऐसी चीज जो लिविंग है जिसको वाटर की रिक्वायरमेंट है
और उसको शिप करना है तो वहां पर ये स्फैग्नम बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि स्फैग्नम के अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत होती है। तो हम जो भी मटेरियल को शिप करना चाहते हैं एक जगह से दूसरी जगह और उसमें बहुत ज्यादा वाटर की क्वांटिटी रिक्वायर्ड है, तो हम उसको किसके रूप में रखते हैं, वहां पर हम ये स्फैग्नम को भी रख देते हैं, क्योंकि स्फैग्नम उसको क्या करता रहेगा, वाटर की रिक्वायरमेंट को कंटिन्यू सप्लाई देता रहेगा, जिससे जो भी चीज ट्रांसपोर्ट हो रही है वो अच्छी रहेगी, लाइव रहेगी। नेक्स्ट बात करें तो ये प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोशन में मदद करता है, मतलब सॉइल इरोशन को प्रिवेंट भी आसानी से कर लेता है। लाइकेंस की बात करें तो जैसे लाइकेंस फर्स्ट कॉलोनाइजर्स होते हैं, वैसे ये ब्रायोफाइट्स भी पहले कॉलोनाइजर होते हैं, जो बंजर पहाड़ों पे, बंजर पत्थरों पे आके अपनी कॉलोनीज बसाते हैं। और ये सबसे पहले आके अगर कॉलोनी बसाते हैं तो ये डिकम्पोज भी करते हैं रॉक्स का, और ये डिकम्पोजिशन के कारण ही दूसरे जो हायर प्लांट्स हैं उनको जगह मिलती है वहां पर डेवलप होने के लिए, यानी सक्सेशन करने के लिए, यानी डेवलपमेंट लेने के लिए। आशा है कि आपको सारे टॉपिक्स इजीली समझ में आ रहे होंगे। हम लर्न इट पे आपके लिए इजी और सिंपल लर्निंग मटेरियल बनाते रहते हैं, जिसके कारण आपकी लर्निंग और लिसनिंग कैपेबिलिटीज इंक्रीज होती रहेगी। अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है, या आपको कोई टॉपिक हार्ड लगता है, या कुछ टॉपिक को आप डिटेल में समझना चाहते हैं, तो उसको आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको हमारा वर्क अच्छा लगता है तो प्लीज़ उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को हिट करना ना भूलें। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए आप अपडेटेड रहें। स्टे हेल्दी, स्टे फिट। बाय बाय।